भावलपुर बोर्ड के बाहर, और यहाँ पे जो साउथ ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं उस सिलसिले में हम आए हैं। मेरे साथ मेरे को एंकर हैं उमे लैला, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और हमने आज इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे पूछना है कि इतने बड़े इवेंट के मुकाबले हो रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए? मेरे साथ मौजूद हैं बाबर साहब जी। बाबर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करने डीपी ऑफिस में आप तशरीफ़ लाएँ। असल में जो भावलपुर बोर्ड्स है और यहाँ पर स्पेशल ब्रांच डायरेक्टर, फिज़िकल डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ब्रांच बनाई गई है, और इसका काम जो है तमाम बोर्ड्स के जो है अंडर स्कूल जो आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उनके बच्चों को गेम की तरफ लेके आना, खेल खिलाना, और पहले हम इसको तहसील की सतह पे करवाते हैं, फिर हम ये इवेंट्स जितने भी खेल इसमें शामिल होते हैं ज़िले के तौर पे, फिर ज़िले से डिवीज़न में, और फिर हम बोर्ड्स की टीम बना के तो ये हम पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स में उनको पार्टिसिपेंट कराते हैं, और पाकिस्तान इंटर बोर्ड से फिर एक टीम बनती है जो कि बाहर मुल्कों में दौरा करती है। तो ये हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें शामिल हों। और अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन डॉक्टर श्याम अनवर साहब ने बड़ा उनका ज़बरदस्त इकदाम है, स्टूडेंट्स ओलंपिक जनूबी पंजाब मुनक़द कराने जा रहे हैं, जो कि 6 नवंबर से ले कर 11 नवंबर तक जारी रहेगी, और यहाँ पर तमाम जनूबी पंजाब के जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो तीनों बोर्ड्स के अंडर आते हैं, उसमें तकरीबन तमाम बच्चे, कोई 2200 की तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ भावलपुर में तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ मुख्तलिफ खेलों में शामिल होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा जनूबी पंजाब के हवाले से, यहाँ बच्चों को खेलने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, और सही तरीके से हम जो अपनी मेहनत के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स की जानिब लाने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।